जीपीएस कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पढ़ते हैं कक्षा ट्वेल्थ के जो व्यवसाय प्रबंध है, कौन सा? बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट है इसका। अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसको बिजनेस स्टडी भी बोलते हैं, बिजनेस स्टडी ये भी इसको बोलते हैं। तो अपन इसका जो, अब देखो बिजनेस मैनेजमेंट, अपने बिजनेस और मैनेजमेंट ये दो अलग अलग पॉइंट है। तो इस वाले के जो चैप्टर है उसमें से कई बार क्वेश्चन बन जाता है। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, प्रबंध क्या है इसको समझाइए। एक नंबर वाले में भी आ जाता है, दो नंबर वाले में भी आ जाता है और तीन नंबर वाले में भी आ सकता है। तो अपन इसकी विशेषताएं भी साथ के साथ देख लेंगे, जिसका इसका अपन आंसर देखते को। प्रबंध एक ऐसा शब्द है जिससे अपने को देखते ही पता चलता है कि प्रबंध का मतलब है ये जो अस्त व्यस्त गतिविधियां होती है अपने बिजनेस में, उसको ये क्या करता है, व्यवस्थित तरीके से अप्लाई करता है। और उसके जो उद्देश्य होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है कि जो अपना बिजनेस है वो सही चले, जो अपना व्यवसाय है वो सही तरीके से चले, ताकि उसकी अव्यवस्थित जो गतिविधियां हैं उसको वो प्रबंधित तरीके से या व्यवस्थित तरीके से उसको मैनेज करे। तो क्या है प्रबंध? एक ऐसी गतिविधि है जिसका मुख्य उद्देश्य संस्था की गतिविधियों को व्यवस्थित करना है, तथा जिस उद्देश्य के लिए बिजनेस या व्यवसाय किया गया है उसको पूर्ण करे। यानी जैसे सपोज किसी भी बिजनेस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, संस्था को लाभान्वित करना या लाभ अर्जित करना, अपनी ब्रांडिंग बढ़ाना, अपना जो व्यवसाय है उसका विस्तार करना। जैसे अपन रिलायंस की ही बात करते हैं, भारतीय कंपनी है, बहुत आज के 100-150 साल पहले वो बहुत छोटे स्तर से स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसका प्रबंध बहुत अच्छा था, तो आज वो वर्ल्ड लेवल पे इतना बड़ा बिजनेस कर रही है। तो उसका किसकी वजह से ये सब हुआ प्रबंध के कारण। उसका अगर प्रबंध सही है किसी भी कंपनी का, तो उसका जो व्यावसायिकीकरण है जो वो बड़े लेवल पे जाता है, विश्व स्तर पे जाता है। अगर उसका प्रबंध सही नहीं है तो उसका जो अच्छे लेवल का जो कोई बिजनेस होगा, बड़े लेवल का कोई बिजनेस होगा, वो भी कम हो जाता है। जैसे अपन बात करते हैं, अब इसको समझाइए, तो अपन इसकी विशेषताएं भी इसमें ले सकते हैं। अब इसमें ये क्या होता है, इसकी जो विशेषताएं हैं इसमें अपन पहली देखते हैं, सार्वभौमिक प्रक्रिया। इसका मतलब क्या होता है, देखो व्यवसायी प्रबंध जो एक ऐसी है सार्वभौमिक प्रक्रिया, और व्यवसाय को छोड़े तो अपन देखें प्रबंध है वो व्यवसाय के अलावा अन्य जो एक्टिविटीज होती है उनमें भी अप्लाई की जाती है। जैसे अपन अपने घर में भी अगर कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसको भी एक फिक्स मैनुअल के हिसाब से, एक फिक्स प्रक्रिया के हिसाब से मैनेज करते हैं। और जैसे हॉस्पिटल में देखिए तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट होता है, स्कूल में देखें वहाँ पे मैनेजमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि केवल ये व्यवसाय में ही मैनेजमेंट होता हो, लेकिन जो व्यवसाय को मैनेज करता है उसको अपन व्यवसाय प्रबंध बोल देते हैं। ऐसे ही प्रबंध क्या है, मानव जीवन के हर हिस्से में, हर प्रकार की गतिविधि में इंक्लूड है, उसको अपन बोल देते हैं सार्वभौमिक प्रक्रिया। यानी ऐसी कोई गतिविधि नहीं है, चाहे आप साइंस ले लो, आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, हर फील्ड में व्यवसाय एक अपना किसी न किसी फॉर्मेट में या किसी न किसी रूप में वहाँ पे मिल जाएगा, और अपना रूप है वो प्रदर्शित करता है कि ये किस फॉर्मेट में अप्लाई होता है। दूसरी बात है यह है या निरंतर चलने वाली
प्रक्रिया। देखो व्यवसाय है वो एक बार चल गया या जो प्रबंध है एक बार चल गया तो उसको हम निरंतर एग्जीक्यूट करते रहते हैं कि भाई हो सके वो फिर नए सिरे से स्टार्ट होती है। ऐसे ही प्रबंध क्या होता है, पहले जैसे मान लो कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, परचेज किया, सेल किया और फिर उसमें कुछ प्रॉफिट अर्न किया और फिर नया साल स्टार्ट होगा। नया साल का मतलब है न्यू ईयर। फिर न्यू ईयर में वही प्रोसेस चलती रहती है। तो एक बार ये क्या है, स्टार्ट होने के बाद में ऐसे 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 ये चलती रहती है। जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका बिजनेस है वो ग्रो होता जाता है, कुछ जो कमियां रह जाती है उसको फिर दोबारा प्रयास सही करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए बिजनेस क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर तीसरा यह है कला है। अब कला का मतलब क्या होता है, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास होता है या जो उसकी एक्टिविटी होती है भाई उस उद्देश्य को व्यक्तियों द्वारा या किसी भी संस्थाओं द्वारा कैसे प्राप्त किया जाए। तो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको अपन क्या बोल देते हैं, कला। भाई अच्छे तरीके से ये कैसे आए, बिजनेस को कैसे परफॉर्म करें, तो इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, कला है। फिर व्यवसाय है जो आपका प्रबंध है वो क्या है, एक विज्ञान भी है। व्यवसाय है वो क्या है, विज्ञान। अब विज्ञान की बात कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये है व्यवसाय विज्ञान है, कैसे हैं, जैसे इसके भी कुछ नियम है। जैसे साइंस के विज्ञान के जो नियम होते हैं विज्ञान के नियमों के जैसे प्रबंध में भी कुछ नियम होते हैं और इनमें भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, यानी प्रबंध में भी प्रयोग होते हैं। प्रयोग का मतलब है रिसर्च। प्रबंध में भी प्रयोग, या इसको अपन ऐसे बोल दें अनुप्रयोग का मतलब है रिसर्च। अनुप्रयोग का मतलब है इसमें भी रिसर्च होते हैं, प्रबंध में भी रिसर्च होते हैं जो विभिन्न नियमों या गतिविधियों के निष्कर्षों से प्राप्त होते हैं। यानी जैसे साइंस में विज्ञान में या साइंस में जैसे नियम होते हैं वैसे ही व्यवसाय में भी कुछ नियम होते हैं। तो वो जो नियम होते हैं वो व्यवसाय है वो उन नियमों के अनुसार ही चलता है। तो इस प्रकार प्रबंध क्या है, प्रबंध है वो एक व्यवसाय है वो एक विज्ञान है, या फिर अपन इसकी बात करें प्रबंध अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो प्रबंध भी क्या है, एक विज्ञान है। फिर इसके बाद में है फिफ्थ वाला उद्देश्य प्रद। यानी कोई भी जो बिजनेस है या व्यवसाय है वो बिना किसी उद्देश्य के नहीं होता। तो ऐसे ही अपन बात करें, अगर मैं किसी भी चीज़ का मैनेज करूँगा, प्रबंध करूँगा, तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होगा ना। किसी भी कंपनी का उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि भाई जो उद्देश्य है वो किसी न किसी भी प्रकार का हो सकता है। किसी का उद्देश्य एक बिजनेस को छोटे लेवल से बड़े लेवल पर पहुँचाने का हो सकता है, या किसी कंपनी का उद्देश्य अपने जो एनवायरमेंट है उसको सही करना हो सकता है, या फिर किसी भी कंपनी का जो उद्देश्य है वो बिजनेस को बड़े लेवल पे या जो अगर प्रॉफिट में हो रहा तो उसको और कैसे प्रॉफिट किया जाए। इस प्रकार ये क्या है, एक उद्देश्य प्रद प्रक्रिया है। क्या है, व्यवसाय एक उद्देश्य प्रद प्रक्रिया है। इस प्रकार जो व्यवसाय है उसके कुछ जो विशेषताएं हैं, एक नंबर, दो नंबर या पांच नंबर में पूछ लेता है तो पांच नंबर में डिटेल से लिख देते हैं और एक एक दो दो नंबर में इसकी विशेषताओं के साथ कर देते हैं। इसी के साथ अपन नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे व्यवसाय की प्रबंध की प्रकृति क्या होती है। इसके साथ ही अपन इसको नेक्स्ट वीडियो के साथ जाते हैं। इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, और अगर किसी भी प्रकार के नए वीडियो को बनवाना चाहते हो तो उसमें आप उस जो क्वेश्चन है उसका कमेंट्स में डाल दें तो हम उसके आंसर को बनाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही अपन नए वीडियो में मिलते हैं। ये ले भाई।